तकरीर में यह बोलता है कि उसका ख्वाब है, उसकी ख्वाहिश है कि वो सनातन धर्म को हिंदुस्तान में लाए, कि गुलबर्गा नॉर्थ की आवाम पाकिस्तान बन जाती। हजार मोदी, लाख मोदी आने दो, ये हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, दलित राष्ट्र नहीं बन सकता। ये मुल्क बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चला है, जब तक है बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चलेगा। हिंदुस्तान की पहचान सेक्युलरिज्म है, कर्नाटका की पहचान सेक्युलरिज्म है। हमें फखर इस बात का है कि हमारी पार्टी का नाम सेक्युलर है, जनता दल सेक्युलर हमारी पार्टी। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आज के इस मशावरती इजलास में मौजूद रईसुल खुतबा मौलाना अब्दुल हकीम वकार शफी साहब, कॉरपोरेटर्स, डिफीटेड कॉरपोरेटर्स, कुछ ही दिन पहले MIM से कंटेस्ट करके हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हुए तमाम कॉरपोरेशन कैंडिडेट्स, अब्दुल खदीर साहब, ऑर्गेनाइजेशन के सिराज साहब, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। हमारे अन्नापा साहब हैं, आदाब, सुरेश साहब हैं। यहाँ पर एक अहम मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हमको एक फैसला लेना है। नॉमिनेशन का सिलसिला आगाज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नॉमिनेशन फाइल किया है, कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए हैं और हमको भी दाखिल करना है। उसी जिमन में आपके, आपकी राय, आपके सजेशंस लेने के लिए यहां पर हम बैठे हैं। परसों के दिन 19 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे इंशाल्लाह। एक अहम फैसला हमको लेना है, वो फैसला ये है कि हमने दो इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और दोनों इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह में जियारत करके, ख्वाजा बंदनाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह से जियारत करके मुस्लिम चौक से होते हुए, कपड़ा बाजार से होते हुए जाकर कॉरपोरेशन में फाइल किया। हजारों की तादाद में लोग थे। आज भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह की रैली होगी, किस तरीके से रूट क्या होगा, टाइम क्या होगा। बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि वो उस मंजर को देखें और इलेक्शन की शुरुआत में भागीदार बने। मगर हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, हिंदू लीडर्स, वो भी तैयार हैं। नॉमिनेशन रैली कब होगी, कैसा होगा, रैली होगी नहीं होगी। यहां पर दो चीजें हैं। एक, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 50% मुसलमान है, 50% हमारे हिंदू भाई हैं। 50% की जो आबादी है वो रमजान के इस मुबारक महीने में तमाम लोग रोजे रहते हैं। और ये जो रूट है, कम से कम एक 4 किलोमीटर रूट है। अगर हम इसको कपड़ा बाजार, भांडे बाजार अगर हम करके जाएंगे और एक रैली तभी कामयाब होती है जब उस रैली में शरीक हुए लोग अपने जोश और जज्बे का जो है इजहार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये मीटिंग एक व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में, सिंगल ग्रुप में अगर मैसेज डाल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग यहां पर पुरजोश यहां पर मौजूद हैं। हमारे सियासत का मकसद
अवाम को, लोगों को सुकून पहुंचाना है, उनको राहत देना है। रोजगारों को अगर हम इतने बड़े रूट पे लेके जाएंगे तो कम से कम मैं समझता हूं कि दोपहर में अगर हम रैली शुरू करते हैं तो एक 3 घंटे वहां पर पहुंचने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे शहर के जिम्मेदार, हमारे पार्टी के अंदर लोगों की मुख्तलिफ राय है, वर्कर्स की आधी आधी है, बहुत सारे पार्टी के जिम्मेदार ये बोल रहे हैं कि रैली होनी चाहिए, बहुत सारे लीडर्स ये बोल रहे हैं कि रमजान के इस महीने में रैली को एहतियात किया जाए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, डिफिटेड कॉर्पोरेटर्स हैं, जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार लोग जाकर के नॉमिनेशन डालेंगे और उसके बाद जब नॉमिनेशन विड्रॉल हो जाएगा, रमजान का मुबारक महीना खत्म होगा, तो उसके बाद में एक रैली, एक बड़ा पब्लिक मीटिंग, 15,000-20,000 लोगों की पब्लिक मीटिंग इंशाअल्लाह ताला रमजान के मुबारक महीने के बाद प्लान करेंगे। और ये मीटिंग आगाज है, एक बड़ी लड़ाई का आगाज है, हमको इस लड़ाई में जीतना ही होगा, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, हार की गुंजाइश नहीं हो सकती। यहां पर औरत की खयादत, मर्द की खयादत, औरत को वोट डालना, मर्द को वोट डालना नहीं, हम औरत के खिलाफ नहीं है, औरत की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, औरत हमारी मां है, उनके कदमों में जन्नत है और आप भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हमारी मां दाखिल है, कोई उसमें दो राय नहीं। लड़ाई आज लड़ाई उनके साथ नहीं है, लड़ाई उनके साथ नहीं है। मैं साफ तौर पर, मेरा सियासी तजुर्बा, 25-30 साल का तजुर्बा आज मैं बता रहा हूं, 2-2.5 महीने से जो हम मुसलसिल फिर रहे हैं, आज हमारी सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आज लड़ाई है फासिस्ट ताकतों के खिलाफ। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिस नौयत की तकरीर किया है, जो अपना असली चेहरा बाहर लेके आया है नॉमिनेशन के बाद, तो हमारे दरगाहों को आकर के जियारत करता है, हमारी मां और बहनों को आकर के पांव पड़ता है नॉमिनेशन के बाद, तकरीर में यह बोलता है कि उसका ख्वाब है, उसकी ख्वाहिश है कि वो सनातन धर्म को हिंदुस्तान में लाए, उसका यह कहना कि गुलबर्गा नॉर्थ की आवाम पाकिस्तान बन जाती, क्या बात है, क्या समझते हो, गुलबर्गा नॉर्थ के मुसलमानों को देश प्रेम सिखाने आए हो तुम, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक मुसलमान इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दिया है, देगा और देता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वीर शैव समाज का भाई हमारा भाई अन्नप्पा यहां पर बैठा है, दलित समाज का सुरेश हरवाड़ यहां पर हमारा भाई बैठा हुआ है, आज हमको बोलेगा कि पाकिस्तान बन जाता है, क्या चेहरा है। मैं छोटा मोदी बनना चाहता हूं, या हमें गुजरात के उन दंगों का याद दिलाना चाहता है जहां पे मुसलमानों को कतरा गया, काटा गया। हमारा एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट, कई का डेवलपमेंट हुआ है, बताओ कहीं डेवलपमेंट हुआ है इनके राज में? 8 साल हुआ नरेंद्र मोदी की हुकूमत आकर के, 8 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को दूर करने के काम हुए, कभी जो है हिंदुस्तान को बनाने का काम नहीं हुआ है।
नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं हुआ है। दुनिया भर में हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मीडिया के जरिए कोई डेवलपमेंट इशू नहीं है। मुझे नेशनल टीवी में बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के तमाम इंग्लिश चैनल्स पे गया हूं, टीवी एंकर्स किस नोयत की जहन रखते हैं वो मैंने देखा है। अच्छे से अच्छे इशू को, एक सब्जेक्ट के इशू को किस तरह से कम्युनलाइज करना, किस तरह से उसको मजहब का रंग देना, किस तरह से हिंदू मुस्लिम करना, यह उनकी साजिश हो रही है और बेशर्मी से बेहयाई से हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है। वही चेहरा हमारे बीच में आया है। इस चेहरे का असल रंग हम देख चुके हैं, इसके खिलाफ हमको मुत्तहिद होना है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के मोहल्ले में हम जाएंगे, बताएंगे उनको, हमारे दलित भाइयों को हम गले लगेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे चलने वाले हम हिंदुस्तानी, वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है। काहे का हिंदू राष्ट्र, किसने दिया जहन हिंदू राष्ट्र का? यह मुल्क हजार मोदी लाख मोदी आने दो, यह हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, दलित राष्ट्र नहीं बन सकता। यह मुल्क बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चला है। जब तक है बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चलेगा, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की तरह रहे हैं। आज से नहीं रहे हैं, हजारों साल से रहे हैं, और जब तक रहेंगे तमाम आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। आज हमारे हिंदू भाई को तकलीफ होती है तो हम उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे, हमको अगर कोई तकलीफ होती है वो हमारे साथ खड़े हुए नजर आएंगे। यह हिंदुस्तान की पहचान है। और गुलबर्गा शरीफ, हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह, शरण बसवेश्वर, ये हिंदू राष्ट्र की पहचान है। औलिया कराम आज जाके देखिए आप, कितने हमारे हिंदू भाई वहां जाकर पहुंचते हैं, कितने लोग आकर के वहां पर शरण बसवेश्वर टेम्पल जो शुरू हुआ, दासोह अन्न दासोह, ये नड़प्पा जाति के अन्न निर्चरा, किसी का जात पूछ करके वहां पर खाना नहीं खिलाया जाता। ना शरण बसवेश्वर ने जात पर पहचान की जो है तारीख है, और ना ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह की तारीख है। आज गुलबर्गा की पहचान सेक्युलरिज्म है, हिंदुस्तान की पहचान सेक्युलरिज्म है, कर्नाटका की पहचान सेक्युलरिज्म है। हमें फकर इस बात का है कि हमारी पार्टी का नाम सेक्युलर है, जनता दल सेक्युलर हमारी पार्टी। गुलबर्गा में बहुत बहुत बातें हो रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं, वोटे तकसीम होंगे, बीजेपी जीत जाएगी, ये एक चैलेंज हमको लेना है, ये चैलेंज आपको लेना है। यहां पर सब लोगों ने कहा कि इस इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन नहीं है, बेशक नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन नहीं है, बेशक नासिर हुसैन उस्ताद की ताकत नहीं है। हर फर्द जिसके दिल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए इज्जत है, ये सेक्युलरिज्म का इलेक्शन है। ये सोच को आगे बढ़ाना है, ये लड़ाई को आगे ले जाना है, और इन फासिस्ट ताकतों के सामने आंख में आंख मिला करके जवाब देने वाला चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका फैसला करना है। आज यहां पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कसम खा के मैं बोल रहा हूं कि आज अवाम के बीच लड़ाई सीधी है। आज जनता दल सेक्युलर वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, इसीलिए अल्लाह के वास्ते इन कांग्रेसियों के मुंह लगने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, आप घर तक जाइए, बात करने की किसी तकरीर में बात करने की जरूरत नहीं है। लड़ाई एक तरफ कम्युनल एजेंडा, एक तरफ फासिज्म की बात, एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, और एक तरफ
चार लोगों के लिए इशारों पे नाचने वाली खयादत, उन चार गुत्तेदारों के लिए मिल्लत के जज्बातों का सौदा नहीं हो सकता, हमारे मस्जिदों का सौदा नहीं हो सकता, हमारी बच्चियों के हिजाब का सौदा नहीं हो सकता, गरीब ठेला बंडियों के कारोबार का सौदा नहीं हो सकता। आए दिन हमारे सामने मुसलसिल तौर पर चैलेंजेस हैं, आए दिन हमारे सामने सवाल उठ रहे हैं। ये खेल रुकने वाला नहीं है, क्या आपको उम्मीद है कि खेल रुकेगा? ये हिंदू मुस्लिम का खेल चलता रहेगा। आज ऐसे लोग ऐवान में आना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो इस हिंदू मुस्लिम के इतिहाद को कायम रख सके, बरकरार रख सके, उसके लिए बात कर सके। आज जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार की हैसियत से मैं बड़े फखर के साथ कहता हूं, सीना तान कर कहता हूं कि आज जनता दल सेकुलर हमारे लीडर HD कुमार स्वामी साहब कर्नाटक में हो रही फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, चाहे वो हिजाब का मामला हो, अगर किसी ने डटकर बयान दिया है, खुल के बयान दिया है, असेंबली में बात किया है, तो वह हमारे लीडर कुमार स्वामी है। अजान के ताल्लुक से अगर किसी ने डट के बात की है तो वो हमारे लीडर HD कुमार स्वामी है। VHP ने पॉम्पलेंट बांटे कि मुस्लिम ताजिरों से आप खरीद फरोख्त मत कीजिए, उनके खिलाफ सबसे मजबूती से बात करने वाले अगर कोई लीडर थे तो वो हमारे HD कुमार स्वामी साहब थे। गाय कशी के ताल्लुक से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाकर रिप्रेजेंटेशन देने वाले कोई अगर पार्टी थी तो जनता दल सेक्युलर। आज कुछ दिनों पहले दो मुस्लिम नौजवानों का कत्ल होता है, मॉब लिंचिंग होता है, इद्रिस पाशा, किसने बयान दिया, किसने उन जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की? कर्नाटक में वो कुमार स्वामी हमारा लीडर है जिसने कहा कि उसे लात मार करके जेल में भेजना चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कौन है तू? ये सवाल उठाने वाले हमारे लीडर है। मैं आपसे पूछता हूं, आवाम से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए, हमारी बच्चियों के लिबास पर हमला होता है, आप खामोश बैठते हो, कांग्रेस खामोश बैठती है, और जनता दल सेकुलर मुसलमानों के ताईज में खड़ी होती है। कौन सेकुलर हुआ, कौन सेकुलर हुआ, बोलिए आप। आवाम को गुमराह मत कीजिए। आज सेकुलरिज्म का डेफिनेशन अगर कहीं देखना है तो जनता दल सेकुलर की तरफ देखिए। सर्व जनांग शांति अतोटा, कुवेंपु साहब ने कहा, हमारे कर्नाटक के एक मशहूर कवि ने, यह कर्नाटक की पहचान है, यहां पर तमाम मजहब के लोग भाइयों की तरह रहे हैं, एक गुलिस्तान के मानिंद है कर्नाटका। इंशाअल्लाह ताला हम इस कर्नाटका को गुलिस्तान के मानिंद रखेंगे, गुलबर्गा को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक सिंबल, जो कारपोरेशन यहां पर कारपोरेटर मौजूद है, एक्स कारपोरेटर मौजूद है, फ्यूचर कारपोरेटर्स पूरे यहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो कारपोरेशन का सिंबल है ख्वाजा बंदे नवाज गेस दराज रहमतुल्लाह अलैह की जो है दरगाह और शरण बसवेश्वर के टेंपल की तरह, उसी तरह हमारी भाईचारगी रहेगी।